18 से कम उम्र के लिए ऐसा बैंक अकाउंट जिसमें यूपीआई का फीचर्स प्रोवाइड किया जाए प्लस हमें डेबिट कार्ड का फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए जिससे एटीएम विड्रॉ हम कर सकें। सो इस वीडियो में आप लोगों को जो भी डाउट रहेगा ना भाई पूरा मैं क्लियर करने वाला हूँ। 18 से कम उम्र है, अगर हम माइनर हैं तो कौन सा ऐसा अकाउंट है जिसमें माइनर को डेबिट कार्ड का फैसिलिटी प्लस यूपीआई का फैसिलिटी दिया जाता है जिससे गूगल पे फोन पे पेटीएम इजिली यूज कर सके। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहना, इस वीडियो में आप लोगों को पूरा डाउट क्लियर होने वाला है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो हम आ चुका भाई अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं आप लोगों को डाउट क्लियर कर दूं, आपने गूगल पे फोन पे या पेटीएम 18 से अंडर में यूज करने के लिए मतलब 18 से कम उम्र में यूज करने के लिए आप लोगों को अपना भाई यहां पे अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट आपको भाई रिक्वायर्ड पड़ेगा। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को डाउट क्लियर करता हूं, गूगल पे फोन पे या पेटीएम या भीम यूपीआई एप्लीकेशन यूज करने के लिए बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ता है और बैंक अकाउंट आपको ओपन करवाना पड़ेगा। कोई भी बंदा ओपन करके आपको नहीं देगा, माइनर हो कोई भी बंदा ओपन करके नहीं देगा, माइनर या 18 प्लस आपको खुद ओपन करवाना पड़ता है। अब रह गए कि ये सवाल कि भाई माइनर को कौन सा बैंक अकाउंट ओपन करके दे सकते हैं, मतलब कौन सा बैंक माइनर का अकाउंट ओपन करके इजिली प्रोवाइड कर सकते हैं। तो भाई मैं ऑलरेडी इस टॉपिक पे वीडियो दे रखा है कौन सा बैंक भाई माइनर का इजिली अकाउंट ओपन करके देगा, और इस वीडियो में भी बताता हूं। सबसे पहले आता है भाई फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाओगे ना तो आप लोग को पेरेंट्स का जरूरत नहीं पड़ेगा, पेरेंट्स को साथ में लेके जाने का जरूरत नहीं है। इजिली आपका भाई सिर्फ आधार कार्ड लेके जाना है, पैन कार्ड की भी जरूरत नहीं है, और आपका अकाउंट ओपन करके दे दिया जाएगा और हैंड टू हैंड आपका डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा जिस डेबिट कार्ड को यूज करके आप एटीएम विड्रो का भाई फैसिलिटी यूज कर सकती हो। ऑलरेडी मैं इस टॉपिक पे वीडियो दे रखा है फिनो पेमेंट बैंक से इसका एटीएम से भाई एटीएम विड्रो हम कैश विड्रो कैसे कर सकते हैं और फिनो पेमेंट बैंक का कैसे अकाउंट ओपन करना है, सिर्फ भाई अपना आधार कार्ड का यूज करके, पैन कार्ड का यूज करके नहीं, सिर्फ आधार कार्ड का यूज करके, क्योंकि माइनर के पास भाई पैन कार्ड नहीं होता है। सो फर्स्ट बैंक यही है, आपको भाई माइनर का अकाउंट प्रोवाइड करता है जिसमें पेरेंट्स का जरूरत नहीं पड़ता, पेरेंट्स का डिटेल नहीं चाहिए, पेरेंट्स का आधार कार्ड नहीं चाहिए, पेरेंट्स का पैन कार्ड नहीं चाहिए और पेरेंट्स का भी सिग्नेचर उसमें नहीं चाहिए, सिर्फ माइनर का अपना आधार कार्ड लेके जाइए और अकाउंट ओपन करके दे दिया जाएगा और उसमें आपका एटीएम कार्ड भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब सेकंड बैंक रह गया भाई, सेकंड बैंक आपका पोस्ट ऑफिस बैंक। आप लोगों को पता होगा पोस्ट ऑफिस बैंक, जी बिल्कुल, ऑफलाइन जाना है और पोस्ट ऑफिस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा लेना है, इजिली आपका अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा जिसमें आपका अकाउंट नंबर कस्टमर आईडी भी दे दिया जाएगा। अगर आपको भाई कस्टमर आईडी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा सो आप जाके बोल सकती हो कि सर मेरे को कस्टमर आईडी का रिक्वायर्ड है, इसका मोबाइल बैंकिंग मैं यूज करना चाहता हूँ, प्लीज कस्टमर आईडी प्रोवाइड कर दो। सो ये तो भाई आप लोगों को डाउट क्लियर हो गया कौन सा बैंक भाई माइनर का इजिली अकाउंट ओपन करके दे देता है और क्या क्या उसमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग ये वाला जरूर वीडियो देख लेना, ऊपर आई बटन में शो रहा है, मैंने फिनो पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन करके दिखाया है और नीचे या डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर रखा है कैसे आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकती हो। फिनो पेमेंट बैंक का आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन नहीं कर सकते या आप पोस्ट ऑफिस का भी अकाउंट ऑनलाइन ओपन नहीं कर सकते। फिनो पेमेंट बैंक का कहीं पे भी गली नुक्कड़ पे आप लोग को एक बीसी पॉइंट यानी तो इसका एजेंट देखने को मिल जाएगा, उससे आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकती हो। ऑलरेडी मैं इस टॉपिक पे वीडियो दे रखा है। अब रह गए कि इसे हम गूगल पे फोन पे पेटीएम में यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते, सो डेफिनेटली आप कर सकती हो। यहाँ पे देखिए मैंने अपना पेटीएम ओपन किया, आप लोगों को मैं लाइव यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे अनलॉक करने के लिए अपना फिंगरप्रिंट मैच कर देना है या एम पिन अपना दे देना है, उसके बाद मेरा यहाँ पे पेटीएम अकाउंट भाई क्रिएट हुआ पड़ा है, अपना पेटीएम अकाउंट भाई इजिली क्रिएट कर लेना है, सिंपल सा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपका एक क्यूआर कोड मिल जाएगा, आप चाहो तो पेमेंट वगैरह भी यहाँ पे कर सकते हो इजिली या पेमेंट इसे रिसीव कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पे क्यूआर कोड शेयर करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जब मैं स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा यूपीआई एंड पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप लोगों को भाई क्लिक करना है। इस पर क्लिक करती है आपका यहाँ पे जियो पेमेंट बैंक रहेगा या फिनो पेमेंट बैंक रहेगा, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिंक कर रखा है, आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो एक बार मैं यहाँ पर रिमूव करता हूँ, रिमूव करके दोबारा आप लोगों को लिंक करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए एड अनदर बैंक अकाउंट, इस पर आप लोगों को भाई क्लिक करना है, सिंपल सा आप लोगों को पेटीएम अपना ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पे सिम सेलेक्ट करना है, ये नंबर भाई कौन सा सिम है, सो मेरा फर्स्ट है, प्रोसीड बटन पे मैं क्लिक करूंगा। आपका यहाँ पे देखिए नंबर वेरीफाई किया जाएगा सबसे पहले, सो यहाँ पे वेटिंग फॉर एसएमएस वेरिफिकेशन का बताया जा रहा है, थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। सो चलिए यहाँ पे वेरीफाई हो गया, अब आप लोग दोबारा एड अनदर बैंक अकाउंट इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन मिल जाएगा सर्च करने का, जो भी आपका बैंक रहता है यहाँ पे सर्च कर सकते हो, जैसे मेरा भाई फिनो है सो मैं यहाँ पे फिनो सर्च करूंगा, यहाँ पे आ चुका फिनो पेमेंट बैंक, इस पे मैं टैप करूंगा। यहाँ पे ये नंबर से अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है सो इजिली आपका इसमें एड हो जाएगा। सो यहाँ पे देख सकते हो मेरा भाई फिनो पेमेंट बैंक इजिली एड हो चुका है। अब आप यहाँ से अपना भाई पिन वगैरह क्रिएट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो यूपीआई पिन जो रहता है। सो यहाँ पे चलिए मैं पिन अपना फिल करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कितना बैलेंस है। अभी देखो मेरे को फिनो पेमेंट बैंक की तरफ से मैसेज भी आ चुका है, मैंने अपना यहाँ पे देखिए एम पिन फिल किया है, यहाँ पे जैसे ही मैंने एम पिन अपना फिल करने के बाद यहाँ पे मेरा
जितना भी बैलेंस है वो यहाँ पे बताया गया है। सो आप लोगों को इजीली देखने को मिल चुका है। और यहाँ से अपना भाई पिन भी चेंज कर सकती हो, अगर आप लोगों को चेंज करना है तो यहाँ पे फिल करना है और अपना यहाँ पे डेबिट कार्ड का 6 डिजिट डेबिट कार्ड फिल करना है और यहाँ पे मंथ ईयर एक्सपायरी एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है, आपका इजिली भाई पिन यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। सो इस तरह आप अपना माइनर का गूगल पे फोन पे पेटीएम वगैरह यूज कर सकती हो, कोई भी आप लोगों को टेंशन देखने को नहीं मिलेगा। और बेसिकली मैं इस नंबर पे यहाँ पे देखिए फिनो पेमेंट बैंक ऑलरेडी मैं लिंक कर रखा है, कोई भी बंदा इस नंबर से मेरे को भाई पेमेंट करता है इस नंबर पे तो मेरा यहाँ पे पेमेंट रिसीव हो जाएगा फिनो पेमेंट बैंक में, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। ऑलरेडी मैं आप लोगों को इस टॉपिक पे पूरा आप लोगों को डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर रखा है कैसे आप अपना भाई फिनो पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो, अगर आप लोगों को डाउट है तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना। सो बस इस वीडियो में इतना ही, और सेम इसी तरह अपना पोस्ट ऑफिस अकाउंट भी इसमें लिंक कर सकते हो, लिंक करने का सेम तरीका है, टेंशन की बात नहीं है। पेटीएम का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो लिंक पे क्लिक करके पेटीएम भी इंस्टॉल कर सकते हो, गूगल पे फोन पे भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। होप आप लोग जो मैंने डिटेल दिया सबको समझ में आ चुका है, अदरवाइज फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना तो नीचे भाई कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। तो भाई वीडियो पसंद आए जरूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। सो फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।